हेलो स्टूडेंट, स्टूल के साथ ब्लीडिंग होना या एनस से ब्लीडिंग होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोलन के अंदर कैंसर का होना, फिशर या फिस्टुला का होना, या इन्फ्लामेशन का होना, या एक मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है हेमरॉइड, जिसको पाइल्स या हिंदी में बवासीर कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम हेमरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो हेमरॉइड क्या कंडीशन है? तो हेमरॉइड जो है वो वेरिकोसिटी ऑफ द एनोरेक्टल वेन, मतलब एनस और रेक्टम की जो वेन है उसमें वेरिकोसिटी हो जाना। वेरिकोसिटी का मतलब होता है वेन जो है उसका डायलेट हो जाना, उसी को वेरिकोसिटी कहा जाता है। तो हेमरॉइड के अंदर क्या होता है कि एनस और रेक्टम की जो वेन होती है उसमें डायलेटेशन हो जाता है और एनलार्जमेंट हो जाता है, और उसी कंडीशन को हेमरॉइड या पाइल्स कहा जाता है। टाइप की अगर बात करें हम तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल हेमरॉइड, एक्सटर्नल हेमरॉइड को प्रोलैप्स्ड पाइल्स भी कहा जाता है। ये इंस्पेक्शन पर विजिबल होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, और पालपेट करने पर ये एक मास की तरह पालपेट हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा एक्सटर्नल हेमरॉइड। सेकंड जो प्रकार है इसका वो है इंटरनल हेमरॉइड। इंटरनल हेमरॉइड नाम से इंटरनल, मतलब वो अंदर की तरफ होते हैं, इंस्पेक्शन पे ये दिखाई नहीं देते, और ये सुपीरियर प्लेक्सस जो होता है वेन का रेक्टम की उसके अंदर डायलेटेशन के कारण से होता है। तो ये तो दो इसके प्रकार हो गए। अब बात करें इसके टाइप कॉज की, किन कारणों से हेमरॉइड होता है। तो हेमरॉइड जो है उसके कारण या रिस्क फैक्टर अगर देखें तो सबसे पहला कारण तो होता है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल हार्ट से ब्लड जाता है इंटेस्टाइन को और इंटेस्टाइन से ब्लड जाता है लीवर को। तो यहां पर ये जो पोर्टल वेन जो होती है जो कि इंटेस्टाइन से ब्लड को लीवर में ले जा रही है उसके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड का प्रेशर बढ़ने के कारण से यहाँ पर ब्लड का वीनस रिटर्न नहीं होगा, ब्लड जो है वो बढ़ेगा तो वो क्या कर देगा, वेन को डायलेट कर देगा। तो एक कारण तो ये हो गया। सेकंड जो कारण होता है वो होता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। लंबे समय तक यदि कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके कारण से कॉन्स्टिपेशन रहेगा, स्टूल पास नहीं होगा, स्टूल यहाँ एक्युमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और वो स्टूल क्या करेगा, इस वेन को कंप्रेस करेगा। यहाँ पर कंप्रेशन के कारण से या प्रेशर बढ़ने के कारण से ब्लड जो होगा उसका विनस रिटर्न नहीं होगा, तो विनस रिटर्न नहीं होगा तो ब्लड जो होगा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और उसके कारण से भी वेन जो थे वो डायलेट या फूल जाएगी या प्रोलैप्स हो जाएगी। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण जो होता है वो कोलन कैंसर के कारण से। कोलन के अंदर कोई कैंसर है तो कैंसर की कंडीशन में भी क्या होगा, बाय चांस यहाँ ट्यूमर या कैंसर है वो भी क्या करेगा कि ये जो वेन जो जा रही है उस वेन को कंप्रेस कर देगा और उस कंप्रेशन के कारण से भी ब्लड जो होगा उसका विनस रिटर्न नहीं होगा। तीसरा कारण ये हो गया। एक CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर उसमें भी वही कंडीशन है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यहाँ से विनस रिटर्न प्रॉपर होगा नहीं, तो विनस रिटर्न प्रॉपर नहीं होगा मतलब वेन से ब्लड जाएगा नहीं तो वो ब्लड वेन में इकट्ठा होगा, तो ब्लड इकट्ठा होगा तो वो क्या करेगा, प्रेशर डालेगा जिससे वेन डायलेट हो जाएगी। तो एक तो ये भी कारण हो सकता है। एक स्टैंडिंग और डेफिकेशन, मतलब डेफिकेशन स्टूल पास करते समय स्टैंडिंग डाल रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ प्रेशर गिरने के कारण से ये क्या करेगा, कंप्रेस होगी, वाल कंप्रेस होगी जिसके कारण से यहाँ की जो वेन है वो दब जाएगी, वेन दबेगी, वेन दबने के कारण से यहाँ से ब्लड वापिस जाएगा नहीं, रिटर्न नहीं होगा और वो ब्लड जो होगा वो क्या कर देगा, उसको डायलेट कर देगा एनल की वेन को। एक तो ये कारण हो जाएगा। एक हैवी लिफ्टिंग के कारण से, वजन ज्यादा उठा रहा है, हैवी लिफ्टिंग वही कारण है। हैवी लिफ्टिंग करने के कारण से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण से वो प्रेशर सीधा जाएगा इंटेस्टाइन के ऊपर, लार इंटेस्टाइन के ऊपर, और उसके कारण से भी वहां से ब्लड का रिटर्न नहीं होगा और कंडीशन हेमरॉइड की हो सकती है। एक प्रेगनेंसी के कारण से, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, यूट्रस की साइज बढ़ेगी तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ेगा और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण से भी विनस रिटर्न प्रॉपर होगा नहीं और एनस की वेन के अंदर डायलेशन हो सकता है। इसका प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या प्रोलॉन्ग सिटिंग के कारण से, लंबे समय तक बैठने के कारण या खड़े रहने के कारण से भी, लंबे समय तक एक ही पोजीशन बैठता है या खड़ा रहता है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ग्रेविटी के कारण से विनस रिटर्न नहीं होगा और उसके कारण से भी वेन डायलेट हो सकती है। एक ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी में भी वही कंडीशन है कि ओबेसिटी के कारण से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और वो प्रेशर बढ़ने के कारण से भी यहाँ से विनस रिटर्न नहीं होगा। तो ये जो है वो कॉज हो जाएंगे या रिस्क फैक्टर जो है वो हो जाएंगे इस हेमरॉइड के। अब बात करते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे हेमरॉइड होता है। तो
तो नॉर्मल ड्यू टू एनी कॉज सबसे बड़ा कारण तो था कॉन्स्टिपेशन का, जैसा कि हमने देखा ही था। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण से क्या होता है, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसके कारण से डेफिकेशन जो है उसके ऊपर स्टैंडिंग होगी, मतलब व्यक्ति क्या करेगा, जोर लगाएगा स्टूल को पास करने के लिए। जिससे स्टूल को पास करने के लिए वो जोर लगाता है, स्टैंडिंग करेगा, इसका मतलब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। एब्डोमेन के अंदर का प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा, और एब्डोमेन के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होने के कारण से ये एनस जो है उसमें प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रेक्टम और एनस के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि स्टूल जो है वो पास नहीं हो रही। जिससे इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा ये एरिया क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, मतलब यहाँ की जो वेन जो होती है वेन है उसको कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के कारण से यहाँ से ब्लड होगा उसका रिटर्न नहीं होगा, मतलब विनस रिटर्न नहीं हो पाएगा। अगर विनस रिटर्न नहीं हुआ तो ब्लड उस वेन के अंदर क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होता जाएगा, धीरे धीरे उस वेन की इलास्टिसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी या वीक हो जाएगी। जैसे वेन की इलास्टिसिटी कमजोर हुई, वीक हुई, वो वेन क्या हो जाएगी, डायलेट मतलब फूल जाएगी, और फूलने के बाद वो क्या होगा, एनलार्ज हो जाएगा, मतलब एनस जो है उसका जो विनस कुशन एरिया जो होता है जहां वेन होती है वो पूरी क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, और ज्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण वो एनलार्ज होकर प्रोलैप्स भी हो सकती है, और साथ ही साथ वेन जो है उसके अंदर टीयर भी हो सकती है, फट भी सकती है स्टेनिंग ज्यादा होने के, स्ट्रेचिंग ज्यादा होने के कारण से, तो वहां से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और इसी कंडीशन को हेमरॉइड कहा जाता है या पाइल्स कहा जाता है। तो ये था इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। तो मेन चीज क्या हो रही है यहाँ पर, पाइल्स के अंदर एनस जो है उसकी वेन का एनलार्जमेंट डायलेशन हो जाता है और उसके कारण से यहाँ ब्लीडिंग होती है। यहाँ पर हमने दो प्रकार के हेमरॉइड देखे थे, एक था एक्सटर्नल हेमरॉइड और दूसरा था इंटरनल हेमरॉइड। दोनों के सिम्टम थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे एक्सटर्नल हेमरॉइड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि थ्रोम्बस जो है, ठीक है, वो बाहर से दिखाई देता है, प्रेजेंट रहता है, मतलब थ्रोम्बस व एक्सटर्नल हेमरॉइड जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, विजिबल रहता है और पाल्पेबल होता है। एक पेनफुल मार्क जो होगा एनस के नीचे वो निकला हुआ यहाँ दिखाई देता है, और दूसरा जो होता है वो स्किन जो होती है एनस के आसपास की स्किन उसके अंदर टैग बन जाएंगे, मतलब एक तरह से फ्लू स्किन जो होती है वैसी वहां पर नजर आएगी। तो एक्सटर्नल हेमरॉइड के अंदर तो ये साइन नजर आते हैं। इंटरनल हेमरॉइड की अगर हम बात करते हैं तो विजिबल नहीं होता, ये बाहर से तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन हैवी रेक्टल ब्लीडिंग होती है, रेक्टल ब्लीडिंग इसके अंदर ज्यादा होती है और ये पेनलेस भी हो सकती है, मतलब दर्द रहित रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। ये स्टूल पास करते समय या स्टूल पास करने के बाद भी ये ब्लीडिंग हो सकती है, ज्यादातर स्टूल पास करते समय ज्यादा होती है, उसके बाद भी हो सकती है ब्लीडिंग। साथ ही साथ रेक्टल पेन जो है वो होता है इंटरनल हेमरॉइड के अंदर, एक्सटर्नल में एनस एरिया के पास पेन होता है, इंटरनल के अंदर अंदर की तरफ थोड़ा सा दर्द होगा, रेक्टम के अंदर उसको पेन होगा। एनल इचिंग इस तरह कॉमन साइन जो है, जैसे एनल के अंदर इचिंग होना, एनस एरिया के आसपास इचिंग आएगी क्योंकि यहाँ पर वेन डायलेट हो जाएगी, उसके कारण से इरिटेशन होगा और उसको इचिंग आ सकती है। रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकता है, यदि ज्यादा कंडीशन है विनस कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा कंडीशन में हो रहा है तो उसके कारण से रेक्टम जो होता है वो भी प्रोलैप्स हो सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जो है एक साइन तो रहता ही है कॉन्स्टिपेशन का, एक साइन जो होता है वो होता है कि क्योंकि ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के कारण से उसको ब्लड का लॉस होगा और ब्लड का लॉस होने के कारण से बॉडी में ब्लड की कमी होगी, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, इससे एनीमिया भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइन सिम्टम जो है वो इसमें नजर आएंगे। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोसिस की, इसका पता कैसे लगाना है हेमरॉइड का। तो हेमरॉइड जो है उसके डायग्नोसिस करने का जो तरीका होता है वो रहता है, सबसे पहला तो हिस्ट्री, पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री ली जाती है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री ली जाती है, उसको पूछा जाता है कि उसको ब्लीडिंग कब आ रही है, स्टूल पास करते समय आती है, और दूसरी चीज कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूछेंगे, कॉन्स्टिपेशन कितना हो रहा है उसको। सेकंड चीज जो है वो किया जाता है DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन मतलब फिंगर के द्वारा रेक्टम जो है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, फिंगर से पाइल्स जो है उसको पाल्पेट किया जाता है। एक्सटर्नल हेमरॉइड जो है उसके अंदर मास जो होगा वो बाहर की तरफ प्रोलैप्स जो है वो फील होगा उसको फिंगर से पाल्पेट करने पर। इंटरनल हेमरॉइड जो है फिंगर इंसर्ट करके इंटरनल हेमरॉइड जो है उसको भी पाल्पेट किया जाता है कि कितना बड़ा हेमरॉइड है। तो ये हो गया DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है। तीसरा जो है वो सिग्मोइडोस्कोपी की जाती है।
इंटरनल हेमरॉइड जो है उसको पता लगाने के लिए सिग्मोइडोस्कोपी की जाएगी, नाम से ही सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइड कॉलोन जो है उसका विजुअलाइजेशन करना, पर सिग्मोइड में कोई ट्यूमर तो नहीं है या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो देखने के लिए सिग्मोइड कॉलोन जो है उसका विजुअलाइजेशन किया जाएगा। एक होता है प्रोक्टोस्कोपी की जाती है, प्रोक्टोस्कोप के द्वारा रेक्टम जो है और सिग्मोइड कॉलोन या रेक्टम जो है उसको एग्जामिनेशन किया जाता है, इसमें इंटरनल हेमरॉइड जो है उसका पता लगाया जाता है। दोनों कंडीशन में प्रोक्टोस्कोप के समय लिथोटॉमी पोजीशन या नी चेस्ट पोजीशन जो है वो पेशेंट को दी जाती है। तो ये तो हो गया इसके डायग्नोसिस करने का तरीका कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं वो। अब बात करते हैं हेमरॉइड जो है उसके मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेडिकल मैनेजमेंट की, क्या मेडिकल मैनेजमेंट होता है। तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट होता है उसमें एक तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट होता है, इसमें हाइड्रोकॉर्टिजोन जो दिया जाता है, हाइड्रोकॉर्टिजोन ये वेनस को डायलेट होने से प्रिवेंट करता है, साथ साथ ब्लीडिंग को भी कम करता है। सेकंड जो होता है इसमें मैनेजमेंट वो रहता है कॉन्स्टिपेशन का, कॉन्स्टिपेशन जो है उसको मैनेज करना है या प्रिवेंट करना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो दिया जाता है इसमें एक तो स्टूल सॉफ्टनर जो होते हैं, मतलब स्टूल को सॉफ्ट करने वाली चीजें जिसमें ग्लूकोसाइड जो है या FGSO4 जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा फ्रूट इंटेक जो है वो बढ़ाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का एडवाइस दी जाती है। इसी चीज इसके अंदर जो दी जाती है फाइबर रिच डाइट जो है, जैसे साबुत अनाज जो है वो है, इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ज्यादा फ्रूट्स जो है उसका सेवन करना है, इसकी एडवाइस दी जाती है। अगला जो उसमें दिया जाता है सीड्स बाथ जो है वो दी जाती है, पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि वो 15 मिनट के लिए गर्म पानी में बैठना है उसको, मतलब सीड्स बाथ लेना है, एक टब के अंदर गर्म पानी लेना है, उसको 15 मिनट तक उसके अंदर बैठना है। ये दिन में 2 से 3 बार सीड्स बाथ लेने के लिए एडवाइस दी जाती है। एक इसमें पेन हो रहा है तो पेन के लिए एनाल्जेसिक जो है वो दिया जाता है, जैसे कोई भी एनाल्जेसिक NSAID ड्रग जो है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी जैसे डाइक्लोफेनेक है, आइबुप्रोफेन है, एक्सेट्रा, इसमें दिया जाता है। इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक जो है इसमें वो दिए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन जो है उसकी संभावना को कम हो सके। ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में एक तो होता है रबर बैंड लाइगेशन। रबर बैंड लाइगेशन में क्या करता है, हेमरॉइड जो होता है उसके बेस को रबर के बैंड के द्वारा लाइगेट कर दिया जाता है, मतलब बांध दिया जाता है, उसके कारण से इसको ब्लड सप्लाई जो है वो बाधित हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई बाधित होने के कारण से ये हेमरॉइड जो है वो सिकुड़ कर या नेक्रोसिस होकर गिर जाएगा। तो एक तो ये हो गया। सेकंड जो होता है वो होता है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी के अंदर क्या करते हैं कि स्क्लेरोसिंग एजेंट जो होते हैं जैसे फिनोलिन ऑयल है, सोडियम मोरुएट है, क्विनोन यूरिया है, इन एजेंट को सबम्यूकोसा जो होता है वहां इंजेक्ट किया जाता है। सबम्यूकोसा में इंजेक्ट करने पर ये वास्कुलरिटी जो होती है, मतलब यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करने वाली चीजें है उसको बाधा उत्पन्न करते हैं, और उसमें बाधा उत्पन्न होने के कारण से इसमें क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, और फाइब्रोसिस होने के बाद ये एक तरह से हार्ड हो जाएंगे और हार्ड होके रिमूव हो जाएंगे या गिर जाएंगे। तो सेकंड तो ये हो गया। थर्ड जो होता है वो होता है क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी के अंदर क्या किया जाता है, फ्रीजिंग की जाती है, मतलब सर्जरी के द्वारा एकदम लो टेम्परेचर के ऊपर जो हेमरॉइड होते हैं उसकी फ्रीज कर दिया जाता है, उसके कारण से उसमें नेक्रोटाइजिंग हो जाएगा, मतलब नेक्रोसिस हो जाएगा, और नेक्रोसिस के बाद वो रिमूव हो जाएंगे। एक तो ये हो गया। एक होता है इंफ्रारेड कोगुलेशन। इंफ्रारेड कोगुलेशन के अंदर क्या होता है, रेडिएशन के माध्यम से या लेजर टेक्निक के द्वारा ये हेमरॉइड जो है उसको कोगुलेट कर दिया जाता है। कोगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग का बनना। तो हेमरॉइड के अंदर जो ब्लड होता है उसको क्लॉट कर दिया जाता है। क्लॉट होने के बाद ये क्या होगा, नेक्रोटाइज हो जाएगा और उसके बाद वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता है। एक होता है सर्जिकली रिमूव करना हेमरॉइड को, तो हेमरॉइडेक्ट उसको हेमरॉइडेक्टोमी कहा जाता है। तो सर्जरी के माध्यम से हेमरॉइड जो होता है उसको क्या करना, कट करके रिमूव करना, जिसको हेमरॉइडेक्टोमी कहा जाता है। ये हो जाएगा इसका सर्जिकल मैनेजमेंट या सर्जरी के माध्यम से हेमरॉइड का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं हम इसके नर्सिंग केयर की, या सर्जरी के पश्चात क्या नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहला रहेगा ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो है उसको ट्रीट करना है, उसके लिए फाइबर रिच डाइट जो है वो देनी है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स है, साबुत अनाज है, ज्वार है, जो है वो ज्यादा लेने के लिए कहना है। सेकंड, फूड इनटेक उसको बढ़ाने के लिए कहना है, जितना ज्यादा हो सके वो फूड ले। स्टूल सॉफ्टनर जो है जैसे डोकुसेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, वो देने हैं ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, स्टूल सॉफ्ट होके जीवन में रिमूव हो जाए। सेकंड, पेन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए या पेन को कम करने के लिए सीड्स बाथ देना है उसको, दिन में 3 से 4 बार सीड्स बाथ लेना है,
कप के अंदर गर्म पानी लेना है, 15 मिनट के लिए उसको बैठना है। कोल्ड एप्लीकेशन जो है वो एडवाइस होती है इसमें, स्विच बाथ के जस्ट पहले उसको कोल्ड एप्लीकेशन करना, इससे ब्लीडिंग भी कम होगी और पेन भी कम होगा। डॉक्टर ने जो भी टॉपिकल एप्लीकेशन लिखा है जैसे जाइलोकेन या स्टेरॉइड ऑइंटमेंट जो भी हाइड्रोकॉर्टिजोन वो अप्लाई करना है। डॉक्टर के निर्देश के अनुसार उसको एनाल्जेसिक जो है वो देनी है पेन को कम करने के लिए। तीसरा प्रमोट हीलिंग, हीलिंग को प्रमोट करने के लिए पेरिएनियम एरिया जो है उसको ड्राई रखना है, डेफिकेशन के बाद एरिया जो है उसको क्लीन करना है, क्लीन करने के लिए ड्राई टिश्यू पेपर जो है उसको अवॉइड करना है और हीट एप्लीकेशन जो है वो सर्जरी के 12 घंटे बाद करना है, 12 घंटे तक हीट एप्लीकेशन नहीं करना है। फिर है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन जो है उसको बचाना या उससे बचाव करना, तो उसके लिए पेशेंट जो है सर्जरी के बाद उसको ऑब्जर्व करना है किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग के लिए या यूरिनरी रिटेंशन तो नहीं हो रहा है, उसके लिए उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। लिक्विड डाइट जो है वो देनी है ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो हेमरेज की समस्या कम होगी। डेफिकेशन के बाद एरिया जो है उसको क्लीन करना है ताकि वहाँ इन्फेक्शन की संभावना जो है वो कम हो जाए। इसके अलावा क्लीन करने के लिए ड्राई टॉयलेट पेपर का उपयोग ना करना है। ड्राई टॉयलेट पेपर से क्या होगा, वो हेमरेज वाला एरिया जो होगा इरिटेशन होगा और इरिटेशन के कारण से वहाँ पर इचिंग हो सकती है या ब्लीडिंग हो सकती है। एवॉइड इचिंग, पेशेंट जो है उसको इचिंग करने के मना करना है, कुछ यार खुजली नहीं करें क्योंकि इचिंग के कारण से वो वेन जो थी वो फट सकती है, टियर हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा स्टूल पास करते समय स्टैनिंग का भी अवॉइड करना है कि वो जोर नहीं लगाए, इंट्राडोन प्रेशर को ज़्यादा नहीं बढ़ाए। साथ ही साथ लंबे समय तक स्टैंडिंग या बैठने के लिए भी पेशेंट को हमें मना करना है। तो ये तो हो जाएंगे इसके कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के तरीके। अब लास्ट में बात करते हैं हम इसका हेल्थ एजुकेशन या प्रिवेंशन क्या देंगे पेशेंट को। तो नॉर्मल वही रहेगा, फाइबर रिच डाइट लेने के लिए पेशेंट को एडवाइस करनी है, फूड इंटेक जो है वो इनक्रेज करने के लिए पेशेंट को कहना है, लाइफस्टाइल जो है उसमें उसको बदलाव के लिए कहना है, यदि ज़्यादा देर तक बैठता है या खड़ा रहता है तो उसको कहना है कि वो थोड़ा घूम ली फिर लिया करें, लंबे समय तक बैठने का सीटिंग का या स्टैंडिंग का काम नहीं कर रहे। इसके अलावा वेट यदि बहुत ज़्यादा है तो उसको एडवाइस करनी है वो अपने वेट को कम करें। प्रेगनेंसी के दौरान केयर के लिए हमें एडवाइस करनी है, प्रेग्नेंट लेडी जो है उसको फूड इंटेक ज़्यादा करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहना है, कॉन्स्टिपेशन जो है उससे बचाव करने के लिए कहना है और वॉक करने के लिए कहना है। बोवेल हैबिट जो है उसको रेगुलर करने की एडवाइस देनी है कि स्टूल जो पास कर रहा है दिन में वो रेगुलर हो जाए, वो इरेगुलर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसको कहना है कि यदि स्टूल जो है उसको रोके नहीं जबरदस्ती या डेफिकेशन की इच्छा तो वो डेफिकेशन करके उसको रोके नहीं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की एडवाइस देनी है क्योंकि ब्लड प्रेशर के कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ पेशेंट जो है उसको लंबे समय तक खड़ा रहना, लंबे समय तक बैठना, हैवी लिफ्टिंग करना, उसको भी हमें मना करना है। तो ये तो हो गए इसके प्रिवेंशन। तो ये था हेमरॉइड। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।